सो भाई साहब, ये रही फाइनली वो लोकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से गाइस बन रहा है टनल सीधा जम्मू वाली साइड में। एंड ये रही गाइस, एंड इसका काफ़ी बढ़िया तरीके से काम चल रहा है यार, काफ़ी अंदर जा रहा है। गाइस अभी मैं आपको ये जो ग्लोव्स है ना, इनके यार बेनिफिट बताता हूँ, इनके क्या बेनिफिट होते हैं बाई राइडिंग। अगर तो आपने ये ग्लोव्स पहने हुए, अगर खुदा ना करे अगर बाई चांस आपका हो जाता है क्रैश, ये जो है ना ग्लोव्स। गाइस एक दिक्कत बन चुकी है यार अपने साथ, बाइक का टायर हो चुका है, बिल्कुल बैठ चुका है, पंचर हो चुका है। ये देखो क्या यार, ये भी हद ही होगी। अब पता नहीं इसका क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी। बट ना अचानक से बैठ के यार टायर। Hey guys, good morning, welcome back to the channel. You're watching Exmosol. My name is Mishal. So let's करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज guys, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जा रहा हूँ back to पठानकोट, और finally अभी वो time आ चुका है, यहाँ से निकलेगा, सुबह सुबह का time है। मैं एकदम बिल्कुल ready हो चुका हूँ, और हाँ मेरी shirt पहनी है, क्योंकि ये जो है ना t-shirt, इसके भी जब लगती है ना sunlight पड़ती है तो बुरे हाल हो जाते हैं। और मैंने जाना बाइक पे है, ब्लैक बुल लेके जाना है, और सीधा पठानकोट ही निकलना है। और अभी वो यार बांध रहा है बैग वैग, और मैंने अपना GoPro ये यहाँ पे चार लगाया हुआ था, अभी हो चुका है बिल्कुल एकदम फुल। अभी फटाफट से अभी हम इसको भी निकालते और विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि अभी ना काफ़ी टाइम हो चुका है, निकलते फटाफट यहाँ से आगे, और अभी मिलते सीधा बाइक पे, सामान वामान बांध के फिर चलते आगे। तो फाइनली गाइस, टाइम अभी हो रहा है 8 का, एंड मैं अभी निकल चुका हूँ सीधे सीधे घर से। बाइक देख लो एक बार यार, बाइक ना अभी यार बहुत ही ज़्यादा हो चुका है गंदा, बट आगे रोड बिल्कुल ख़राब है। सो बाइक यार ऐसे ही रहेगा, इसको मैंने वॉश नहीं कराया, बैग मैंने कुछ ऐसे यार बांध दिया है, एंड एकदम बढ़िया करके अभी हम निकलते हैं सीधा आगे। बाइक में ऑयल डलवाना है, बट वो आगे ही चल के डलवाएंगे, और देखते हैं अभी हम यार आगे से वो यार कौन सा रूट पकड़ते हैं। आई थिंक सो कि हम वो यार कालाकोट वाला पकड़ें, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ठीक है, क्योंकि एक और भी वो जा रहे थे तो उनके साथ चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम ग्लोव्स पहनते हैं, निकलते हैं सीधा आगे ग्लोव्स वगैरह पहन के। सो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। एंड यही प्रे करना है कि अपनी जर्नी एकदम बढ़िया से जाए यार, क्योंकि हमने पंजाब जाना है, एंड स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। सो लेट्स गो गाइस। और अभी हमने ना काफ़ी यार रास्ता कवर करना है, पहले तो जम्मू, एक तो वो रोड ना काफ़ी ख़राब है, एंड उसके बाद आगे पंजाब, फिर काफ़ी हमें दूर जाना है। मतलब इससे पहले मैं लेकर जाता था अपनी छोटी बाइक, बट इस बार ना मेरे को चांस मिल चुका है कि मैं बुलेट लेकर जा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी सी अचीवमेंट अपने लिए। सो अभी चलते हैं इधर से आगे, सो लेट्स गो गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा यार बारो बार, ये रोड सीधा जाके ना यार कालाकोट से निकलती है आगे जाके अपने वो यार पामला या सुंदरबनी निकलती है आई थिंक सो, एंड इसी रूट से अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ना वो जो मेन रोड है ना उसकी काफ़ी बुरी हाल है, एंड ये रोड फिलहाल कुछ हद तक ना ये रोड एकदम बढ़िया है। एंड अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेन मार्केट जो थी वो मैंने छोड़ दी है, एंड ऑयल हम कहीं आगे डलवाएंगे, क्योंकि अभी ना अपना बाइक का अप्रोक्स, अभी तक अपना बाइक ना ये 500 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा, ये जो ऑयल है ना इसके बीच अप्रोक्स ज़्यादा नहीं, पर कोई 7-8 लीटर तो होगा ही होगा इसके बीच ऑयल, एंड इससे अभी अपना बाइक ना अच्छा खासा चल जाएगा। सो ऑयल जाके आगे हम कहीं रास्ते में डलवाएंगे, सो लेट्स गो गाइज। एक चीज़ मैं ज़रूर सुजेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि यार हेलमेट हमेशा पहन के चलो। राइडिंग गियर्स आपके पास नहीं है प्रॉपर, वो कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, अभी मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि बुलेट में ना अगर तो हम कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं फिर हमें राइडिंग गियर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट यू गाइज प्लीज़ ऑलवेज वियर हेलमेट, हेलमेट है तो भाई आप ना कुछ हद तक बच जाओगे। अगर आपकी कोई हड्डी वड्डी टूटती है वो फिर वापस थी रिकवर, बट अगर आपका सर अगर किसी किस्म से अगर वो यार कुचल गया ना तो भाई साहब आपकी सीधा जान ही जाएगी। और इसके लिए प्लीज़, मैंने बहुत लोग देखे हैं ना ऐसे जो यार रैश भी चलते हैं और वो हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। एंड अभी चलते हैं हम सीधा आगे, एंड ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना कि यार हेलमेट हमेशा पहन के चलना यार, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड गाइस अभी मैं आपको ये जो ग्लोव्स है ना, इनके यार बेनिफिट बताता हूँ, इनके क्या बेनिफिट होते हैं बाई राइडिंग। अगर तो आपने ये ग्लोव्स पहने हुए, अगर खुदा ना करे अगर बाई चांस आपका हो जाता है क्रैश, ये जो है ना ग्लोव्स, ये आपको ना कुछ हद तक ना प्रोटेक्ट करेंगे आपके जो ये स्क्रैच पड़ेंगे हैंड्स पे, एंड से ये ग्लोव्स आपको बचाएंगे, एंड ऑल्सो होते हैं क्या अच्छा डर्ट्स वगैरह उससे भी बचाते हैं, एंड ऑल्सो जो कि यार ठंडी हवा लगती है और गर्म हवा होगी उससे भी ये आपको ना कुछ हद तक करेंगे प्रोटेक्ट। तो ग्लोव्स ना बहुत ही बढ़िया होते हैं, एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ग्लोव्स क्यों यार पहने हुए। एक्चुअली ये जो ये उंगली के पीछे वाली जगह होती है ना, यहाँ पे ना कुछ इनके पीछे ना ऐसे उनसे बड़ी इरिटेशन होती है, ये पकड़ पकड़ के इसका हैंडल बार, तो उसके चक्कर में मैंने ग्लोव्स अभी लगा लिए, क्योंकि मुझे पता जब मैं यार विदाउट ग्लोव्स जब मैं चलाता हूँ ना बाइक तो मुझे 2-3 दिन तक यहाँ पे कुछ होता रहता है, तो उसके लिए ना मैं ग्लोव्स पहन के चलता हूँ, एंड हेलमेट तो भाई साहब पहन के चलो। और अभी हम आगे चलते हैं सीधा काफ़ी दूर चल के, हमने ऑयल भी बनाना है, ऑयल बनाने के बाद ना
फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। 8 बजे निकले थे हम, सो देखते हैं हम कितने बजे तक जम्मू पहुंचते हैं और कितने बजे तक हम पठानकोट पहुंचते हैं। सो ऑल ओवर चलो जो भी है आपको बताएंगे हम। ब्लॉग को या ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आई थिंक सो के या 2 पार्ट में आएगा। सो देखते हैं जितने में भी आया, बस आप लोग अपना लव सपोर्ट प्यार बना के रखना, पर अभी हम आगे चलते हैं। फाइनली गाइस अभी हमने सुंदरबनी क्रॉस कर ली है और जस्ट अभी हम पहुँचने वाले हैं आगे यार पांबला में, जो कि अपना यार सबसे पहला स्टॉप होगा। और अभी तक हम यहाँ पे गाइस नॉन स्टॉप आए, बस एक बार मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ ओनली फॉर डैट के मेरा बैग ना थोड़ा सा ढीला हो गया था एंड उसको मैंने अच्छे से एक बार यार फिर से बांध दिया कस के। एंड अभी फाइनली पहुँचने वाले अभी आगे यार पांबला में एंड वहाँ पर रुकेंगे, कुछ थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट लेंगे। एंड ऑल्सो बाइक में अभी देखा फ्यूल का इंडिकेटर ना बराबर जल रहा है, एंड इसका क्या मतलब समझे आप लोग, समझ गए ना इसका, इसका मतलब ये कि बाइक में फ्यूल थोड़ा लो हो गया। तो आगे चलते हैं ऑयल भराते हैं। तो गाइज जो ये बाइकर्स होते हैं ना, बाइकर्स की हमेशा एक ही प्रॉब्लम होती है, वो ये है गाइज ये फ्यूल की, फ्यूल लाना पड़े बाइक में फिर तो भाई सब मज़ा आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो अभी हम आगे जो भी पेट्रोल पम्प आया वहाँ से फ्यूल डलवाएंगे एंड साथ में पांबला रुकेंगे, उधर से कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना भी है अब उनने, क्योंकि ना डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो लेट्स गो गाइस। एंड हे गाइस फाइनली यार मैंने क्रॉस कर दिया है पांबला, बट अभी एट प्रेजेंट ये जो लोकेशन है ये भी यार पांबला में ही पड़ती है। एंड मैं बता दूं कि रोड का काम ना काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, एकदम बहुत ही फास्ट। मीन जब मैं आज से ये 10 दिन पहले आया था ना, तब ये यहाँ पे ना ये जेसीपी लगी हुई थी, मिट्टी विट्टी काट रही थी, बट अभी देख लो यार बहुत तेज तेज काम लगा हुआ है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आगे का इस एक बन रहा है क्या अच्छा टनल, जो कि काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है, हर बार मैं बताता हूँ एंड इस बार भी चलो बताने की कोशिश करूँगा। स्लिप देख रहे हो, थोड़ा बहुत स्लिप भी है, बट ना ये जो बाइक में ABS है ना, सीरियसली यार ABS बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, ABS के बिना ना कोई भी बाइक ना सबसे बेकार है, एंड ABS इज़ बहुत ज़रूरी चीज़ यार, ABS इज़ वेरी हेल्पफुल गाइस। ABS के अगर तो आप कहीं ना, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया ना, जैसे कि कोई भी आती है वो या धूल मिट्टी वाली रोड जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, काफ़ी बार मैंने ब्रेक ना पूरी मारी है बट गाड़ी स्किट नहीं करती है, रुकती है बट स्किट नहीं करती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, सीरियसली यार ABS मानना पड़ेगा यार। मुझे पहले नहीं पता था बट जब से मैंने बुलेट लिया ना इसमें ABS है, उसके बाद मेरे को पता चला कि ABS के क्या क्या फंक्शन है। सीरियसली यार अगर कोई भी और भी बाइक ले रहा है ना, ABS वाली बाइक ही मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि ABS जो है ना एकदम बढ़िया चीज़ है। और अभी हम आगे रुकते हैं और आगे रुक के ना यहाँ थोड़ा जो मेरा यार पीछे ना रुकने का रीज़न था ना, वो बस यही था कि वहाँ पे ना कुछ भी जो खाने पीने का आइटम्स है ना वो हाइजीनिक नहीं मिलती, क्योंकि रोड पूरी तोड़ी हुई है और धूल मिट्टी है। एंड यहाँ पे आगे एक होटल है जो कि ठीक है, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा जंगल वंगल है तो उसके चक्कर में ना धूल मिट्टी वगैरह कम होती है, एंड वहीं पर अभी हम चल के रुकेंगे और आगे या वो ये टनल भी बताते हैं आपको, ठीक है। सो लेट्स गो। एंड गाइस अभी हमने रुकना है यहाँ पे, सो क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी जगह बढ़िया है एकदम, तो यहाँ पे लगाएंगे अभी बाइक, सो चलते हैं अंदर। पहला स्टॉप अपना, ओह माय गॉड गाइस हाथ ना अच्छी है, हाथ मेरा थक गया। सो भाई साहब ये रही फाइनली वो लोकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से गाइस बन रहा है टनल सीधा जम्मू वाली साइड में। एंड ये रही गाइस एंड इसका काफ़ी बढ़िया तरीके से काम चल रहा है यार, काफ़ी अंदर जा चुका है। यहाँ पे यार रुकने आई डोंट थिंक सो के हमें देंगे, क्योंकि अभी हमको आगे जाना है, बारिश का मौसम ही बन रहा है ना, और आगे अगर तो बारिश होगी ना इस रोड में तो फिर गाइस स्लिप हो जाता है, तो फिर कभी रुकेंगे। एंड अभी निकलते यहाँ से आगे, सो आगे गाइस एक दिक्कत बन चुकी है यार अपने साथ, बाइक का टायर हो चुका है, बिल्कुल बैठ चुका है, पंचर हो चुका है, ये देखो क्या यार, ये भी हद ही होगी, अब पता नहीं इसका क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी। बट ना अचानक से बैठ गया यार टायर, आगे वाला टायर यार पॉप आउट हो गया यार, शिट।